अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.2 का एक मॉडल क्वेश्चन है। सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा। सॉल्व का मतलब होता है कि वेरिएबल की वैल्यू निकालें तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे पहले फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, वो फार्मूला लगा देंगे। मैट्रिक में फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2y आयोटा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर करूँगा 3 आयोटा का स्क्वायर, तो 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x आयोटा प्लस 9, ये -1 आ जाएगा और ये 2y आयोटा आ गया। अब बिना आयोटा वालों को साथ लिख रहा हूँ। अब यहाँ से हमने कंपेयर द कोफिशिएंट कर लेंगे। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, और 6x बराबर हो जाएगा 2y के। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे तो एक्स को 9 या माइनस सम आके प्लस हो जाएगा, रूट लूँगा तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3 के। अब पुट एक्स इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, 6x इज इक्वल टू 2y, 6 ये एक दफ़ा प्लस में पुट होगा, एक दफ़ा माइनस में, तो ये 18 हो गया। y चाहिए तो 18/2 करेंगे, y बराबर हो जाएगा 9 के। और इसी तरीके से 6x इज इक्वल टू 2y, हम -3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -18, y चाहिए तो -18/2 कर देंगे, y आ जाएगा हमारे पास -9। आखिर में सोल्यूशन सेट लिख देंगे, दो आंसर आए हैं x और y के। अगर हमने 3 पुट किया तो आंसर आया 9, -3 पुट करेंगे तो आंसर आएगा -9। ये हमारे फाइनल आंसर हैं।